Hello and welcome to the English News Bulletin of Indian News. I am Yashovardhan Umak, your news presenter. The truth is our priority. We give justice to your curiosity. The latest news spot only here on Indian News. Give you the latest and most credible news for today. Let's see today's headlines. Tamil Nadu Minister Uday Nidhi controversial statement on Sanatan Dharma. छत्तीसगढ़ महिला समाज टुक आउट अ ह्यूज रैली. छत्तीसगढ़ डेप्यूटी सीएम वेलकम्स वन नेशन वन इलेक्शन. 80 किलो कैनबिस एंड इनोवा कार रिकवर्ड फ्रॉम स्मगलर्स. नाउ कमिंग बैक टू द न्यूज. In protest against the gang rape that took place on the day of Rakhi in the Mandir Hasaut police station area, Chhattisgarh Mahila Samaj took out a protest rally in Raipur and demanded that the culprit be hanged on the road. Chhattisgarh has been shaken by the incident of gang rape of two girls. In protest against this, Chhattisgarh Mahila Samaj took out a huge rally in Raipur, which was started from Subhash Stadium and ended at Chhattisgarh Mahatari statue at Collectorate Chowk. During this, a large number of women and men participated in this rally, all in one voice demanding the strict action against the rapist and hanging them. On this occasion, Malti Parganiya, president of Chhattisgarh Mahila Samaj, appealed to the judiciary and the government, "We demand that the rapist be hanged at the crossroad itself so that there should be never this kind of incident happened again in the Chhattisgarh." हम लोग यही चाहते हैं कि ये जो घटनाएं जो बार बार हो रही बलात्कार की और इस तरह की घटनाएं बार बार ना हो और इन दोषियों को कड़ी से सजा मिलनी चाहिए ताकि ये जितने भी बलात्कारी हैं या जो दोषी हैं दोषी प्रवृत्ति के जो लोग हैं उन पर इस तरह की फांसी की सजा जब मिलेगी तो उनमें एक भय पैदा होगा डर पैदा होगा और ये लोग फिर नहीं करेंगे तो प्रशासन को लोगों को ये सोचना होगा सरकार को ये सोचना होगा ताकि कड़ी से कड़ी सजा देकर इस प्रकार की जो घटनाएं हैं जो बार बार पुनरावृत्ति हो रही है उसका पुनरावृत्ति ना हो और लोगों में हम लोग की मांग है कि अभी रक्षाबंधन के दिन जो बलात्कार हुआ वो कभी ना हो और बलात्कारियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए उनको फांसी की सजा मिलनी चाहिए और हम तो कहते हैं कि उसे बीच चौराहे पर लटकाना चाहिए ताकि और भी कोई ऐसा जघन्य अपराध ना हो. After the controversial remarks made by Tamil Nadu Minister Uday Nidhi Stalin regarding Sanatan Dharma, a complaint was filed against Uday Nidhi Stalin in Burhanpur. The followers of Sanatan Dharma in the country and the state are very angry with the comments made by Tamil Nadu CM's son and MLA Minister Uday Nidhi Stalin regarding Sanatan Dharma in Burhanpur too. Sanatan Dharma officials have reached the city police station and given a writing application objecting to the comment and demanding registration of FIRs against Uday Nidhi Stalin, saying that he was inciting the religious sentiments and hurting Sanatan Dharma. Tamil Nadu में जो मुख्यमंत्री भी हैं स्टालिन उनके उदय निधि स्टालिन मंत्री हैं वहाँ पे वो विधायक भी हैं उनके द्वारा एक सनातन धर्म को लेके बहुत खराब टिप्पणी की गई है और धर्म विरोधी जो है जिससे जो टिप्पणी है उससे पूरा सनातन धर्म जो है आहत हुआ है इसको लेके हम लोग जो है एक शिकायत लेके जो है उनके विरुद्ध FIR करने के लिए आए हैं और हमने वो शिकायत दी है. उम्मीद है पुलिस इसमें FIR दर्ज करेगी. और रही बात उनका ये स्टेटमेंट कि सनातन धर्म का को जो है ख़त्म कर देना चाहिए तो इतिहास गवाह है कि जिसने सनातन धर्म को ख़त्म करने की मन में विचार भी लाया है वो खुद समाप्त हो गया तो ये क्या करेंगे सनातन धर्म को समाप्त. आक्रोश है समाज में और इसके विरुद्ध जो है FIR दर्ज की जानी चाहिए. ये बुरहानपुर के सनातन धर्म के ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष आनंद दीक्षित इनके द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है जिसमें उल्लेख किया गया है कि तमिलनाडु में जो बयान दिए गए हैं उस के ऊपर कार्रवाई के लिए जिनको ज्ञापन को लिया गया. और सीनियर कांग्रेस लीडर एंड छत्तीसगढ़ डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर TS सिंहदेव हेल्ड अ प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑन संडे एंड गिविंग अ बिग स्टेटमेंट ऑन मेनी इश्यूज इंक्लूडिंग वन नेशन एंड वन इलेक्शन.
छत्तीसगढ़ डेप्यूटी सीएम टीएस सिंहदेव वाइल एड्रेसिंग अ प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑन संडे एक्सप्रेसेस व्यू ऑन मेनी इश्यूज डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर टीएस सिंहदेव टोल्ड जर्नलिस्ट दैट ही सपोर्ट्स वन नेशन एंड वन इलेक्शन ही सेड पर्सनली आई वेलकम वन कंट्री वन इलेक्शन ही सेड दैट देयर इज नो न्यू आइडिया वाज इन्वेंटेड बाय बीजेपी इट इज एन ओल्ड आइडिया शैलजा जी ने ये कहा अपना उदाहरण देते हुए कि मुझे राजीव जी ने सबसे पहले टिकट दी बाय इलेक्शन में टिकट दी मैं हारी चुनाव अगली बार मुझे टिकट नहीं मिला ठीक एक साल बाद उपचुनाव के बाद में आम चुनाव हुए मुझे टिकट नहीं मिला मैं पार्टी के साथ बनी रही उनने ये नहीं कहा लेकिन वो स्थिति बनी रही और दो साल बाद ऐसी स्थिति आई कि फिर चुनाव की स्थिति आई उनको टिकट मिला और सर्वाधिक वोटों से जीती तो एक ये संदेश सभी ने अपने अपने अनुभव के आधार पर दिया कि टिकट तो एक को मिलेगा 2,789 आवेदन आए हैं टिकट मिलेंगे 90 तो 2,700 लोगों को टिकट एक कम 2,699 लोगों को टिकट नहीं मिलेंगे हमको सबको साथ रह के काम करना होगा और उद्देश्य केवल खुद को विधायक बनाना नहीं है उद्देश्य छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाना है ध्यान में बटाने के काम है हम आप सब इतने समझदार हैं कि संविधान संशोधन ऐसे नहीं आ सकते चुनाव होने वाले हैं राज्यों के अभी तो क्या सभी राज्यों में संविधान संशोधन के बाद में और सभी राज्यों में इतने समय के अंदर पास हो जाएगा तो असेंबली भंग होने की स्थिति आ जाएगी छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश राजस्थान तेलंगाना जहां चुनाव होने हैं आप पार्लियामेंट बुला रहे हो पहली बार मैं सुन रहा हूं कि किसी सदन की कार्रवाई के लिए बिना एजेंडा के लिए आपने बुलाया ये केवल चाइना से ध्यान भटकाना अंबानी से ध्यान भटकाना मणिपुर से ध्यान भटकाना इसके अलावा ये और कुछ नहीं उसमें ये बात आई थी माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये बात कही कि कहीं कहीं ऐसा सुनने में आ रहा है अपवाद की स्थिति होगी लेकिन अगर ऐसा है कहीं से बात आएगी तो ज़रूर पार्टी उसकी समीक्षा करेगी कांग्रेस बहुत जल्दबाजी में नहीं है ठोक ठटा के काम करना चाह रही है सोच समझ के अच्छे से करेंगे मुझे नहीं लगता अभी इस हफ्ते में तो 10 तारीख हो जाएगा ये संकेत मिले हैं कि 8 तारीख को खड़गे जी आ रहे हैं उस समय यहाँ बैठक एक और हो सकती है उस बैठक के बाद सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में जाने का एक गैप रहेगा अगर सेंट्रल इलेक्शन कमेटी कोई दूसरे डायरेक्शन लेती है कि हाँ सिंगल नाम हो गए हैं तो बात फॉर बेटर परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज आसाम स्टेट पुलिस हैज ऑनर्ड 19 ऑफ इट्स पुलिस ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉय विद मेडल बाय द चीफ मिनिस्टर पुलिस ऑफिसर्स हु हैव बीन ऑनर्ड विद द चीफ मिनिस्टर पुलिस मेडल बाय आसाम चीफ मिनिस्टर हिमंत बिस्वा शर्मा दोज ऑनर्ड इंक्लूडिंग करीमगंज SP पार्था प्रीतम दास ASP प्रताप दास SIDF मार्चिला डी संगम एंड मैनी अदर्स Various organizations of the district, including political and non-political, have expressed happiness to Karimganj SP Partha for achieving this achievement. Aam Aadmi Party convener Delhi CM Arvind Kejriwal arrived in Bhiwani, Haryana on Sunday to attending the swearing-in ceremony of the circle in charge. Punjab CM Bhagwant Mann was also present with him and Kejriwal Bhagwant Mann addressed the meeting during this attack on the Haryana government and the BJP fiercely. Kejriwal said that Haryana has the most expensive electricity in the country. CM and other minister electricity is free and the public is paying the bills. Here only bill comes, there is no electricity. The CM said that people are fed up with the government and now they want change in Haryana. A committee of 10-10 people will be formed at every booth in Haryana. 2 lakh officials of the Aam Aadmi Party will be formed in the entire state by October 15. No power in the world will be able to defeat the one who was such as big organization. Kejriwal said that if Satendra Jain and Manish Sisodia join the BJP today, their punishment will be waived. But since they are loyals, they will not do so. मैं देख रहा हूँ कल से ये BJP वालों ने नया शगुफा छोड़ा है। One nation, one election, one nation. अरे हमको क्या मिलेगा one election की 10 election की 12 election? बताओ आम आदमी को कुछ मिलेगा one nation, one election, one nation, 100 election, one nation, 1,000 election? हमको क्या मिला? आम आदमी को कुछ मिला वन नेशन वन इलेक्शन वन नेशन वन एजुकेशन वन नेशन वन एजुकेशन सबको एक जैसी शिक्षा मिलनी चाहिए अमीर के बच्चे को भी अंबानी के बच्चे को अडानी के बच्चे को जैसी शिक्षा मिलती है वैसे मेरे किसान के और मजदूर के बच्चों को मिलनी चाहिए
वन नेशन वन इलाज, सबको अच्छा इलाज मिलना चाहिए, चाहे गरीब का आदमी हो चाहे अमीर आदमी हो, अच्छे से अच्छा शानदार इलाज सबके सबको मिलना चाहिए। स्तर के ऊपर लोग जुड़ रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं अपनी जेब से, इसका मतलब लोग मौजूदा पार्टियों से परेशान हो चुके हैं, लोग मौजूदा सत्ता से तंग आ चुके हैं, लोग हरियाणा में बदलाव चाहते हैं, लोग दिल्ली और पंजाब की तरफ देख रहे हैं कि वहां पे इतनी अच्छा माहौल हो गया, इतनी अच्छी व्यवस्था हो गई, लोग बदलाव चाहते हैं। सरायपाली पुलिस हैज अचीव द ग्रेट सक्सेस इन कैचिंग इंटरस्टेट कैनबिस स्मगलर्स। पुलिस आर अरेस्टेड टू स्मगलर्स हियर विद अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ कैनबिस। सिंगोड़ा पुलिस लेड सीज ऑन concrete information about the smuggling of hemp from the neighboring state of Orissa via Saraipali. In the siege, the police arrested two people with 80 kilos of cannabis from the Innova car. The estimated value of the cannabis has been estimated at rupees 20 lakh. Under the strict interrogation of the police, the smugglers accepted to take the consignment of cannabis to Maharashtra. At present, the police have taken action against smugglers Mohan पांडुरंगी एंड करंट सिद्धार्था बाय रजिस्टरिंग अ केस अंडर द एक्साइज एक्ट। फॉर्मर मिनिस्टर एंड सीनियर बीजेपी एमएलए ब्रिजमोहन अग्रवाल वाइल एक्यूजिंग द कांग्रेस सेड दैट मैनी काउज हैव डाइड आफ्टर ईटिंग रोटन फूड एट राहुल प्रोग्राम वेन्यू। ही सेड दैट कांग्रेस लीडर राहुल गांधी इज विजिटेड हैज एक्सपोज्ड द सिगरेट ऑफ कांग्रेस विच टॉक्स अबाउट काउज एंड गोठान इन द कैपिटल रायपुर। मैनी काउ डाइड आफ्टर ईटिंग द लाइज थ्रोन बाय कांग्रेसमैन। Former minister and senior BJP MLA Brijmohan Agrawal has blamed the Congress for the deaths of the cows. Let us tell you that the Wayanad MP Rahul Gandhi had come to Raipur on September 2 to interact with the youth. During that time, the people who attended the program had thrown the leftover food in the open, due to which so many cows are dead, according to Brijmohan Agrawal. Rahul Gandhi ji aaye और 100 से ज्यादा गायों की जान लेकर वो चले गए। राजीव गांधी जी का जहां कार्यक्रम हुआ वहां पर सड़ा हुआ खाना ऐसे ही फेंक दिया गया और उस गायों उसको खाने से 100 से ज्यादा गायों की मृत्यु हुई है। ये राम वन गमन पथ की बात करने वाले लोग, ये गौठान और गाय की रक्षा की बात करने वाले लोग, इन गायों के मृत्यु के लिए कालकल्पित होने के लिए कौन दोषी है? क्या राहुल गांधी जी इसका जवाब देंगे? क्या भूपेश बघेल जी इसका जवाब देंगे? हमारी गौ माता की रक्षा ये कांग्रेस पार्टी नहीं कर सकती। इनका काम है कि गौठान के नाम पर भ्रष्टाचार करना, गायों के नाम पर भ्रष्टाचार करना और 100 से ज्यादा गायों की जान जाना। अगर ये जो गायों ने वो खाना खाया है वो घर घर में जंगलों में जाकर उनकी मृत्यु हुई है, अगर उनकी खोज करेंगे तो मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा गायों की मृत्यु हुई है। और ये सीधा सीधा हम कहेंगे तो गौ माता की मृत्यु का श्राप इनको लगेगा। पटवारी और ऑन अ इनडेफिनाइट स्ट्राइक रिगार्डिंग द 5-point डिमांड ड्यू टू विच द रेवेन्यू वर्क हैव कम टू अ स्टैंड स्टिल इन सतना डिस्ट्रिक्ट। पटवारीज ऑफ सतना डिस्ट्रिक्ट हु आर ऑन अ इनडेफिनाइट स्ट्राइक अंडर द बैनर ऑफ पटवारी संघ। पटवारी संघ भोपाल शाउटेड स्लोगन्स अगेंस्ट द स्टेट गवर्नमेंट ऑन मंडे। पटवारीज हैव डिमांडेड दैट पटवारीज प्रोवाइड मेनी नेसेसरी रिसोर्सेज इंक्लूडिंग एन इंक्रीज इन पे स्केल, टाइम स्केल, प्रमोशन एंड अलाउंसेस। द पटवारी संघ हैज वॉर्न्ड ऑफ अ फियर्स एजिटेशन इफ द डिमांड आर नॉट मेट। हमारी प्रमुख रूप से तीन मांगे हैं, 2800 ग्रेड पे पद के अनुरूप समय मान वेतन मान एवं 10 वर्ष में प्रमोशन। 2007 में सनावत सम्मेलन में मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को आश्वासन दिया था लेकिन आज तक उसका पालन नहीं किया, उसी कारण हम लोग को दिवस होकर हड़ताल पे जाना पड़ा। नाउ इट्स टाइम फॉर द क्विक ब्रेक, कीप वॉचिंग इंडियन न्यूज। सर्व सुविधा युक्त महिमा हॉस्पिटल उदय जहां होगा आपका विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा बेहतर इलाज। स्त्री एवं प्रसूति रोग, बीपी, शुगर एवं हृदय रोग, चर्म रोग, गुप्त रोग, कान नाक गला संबंधित रोगों का 24 घंटे इलाज, घर पहुंच एम्बुलेंस की सुविधा।
पता मेन रोड उतई, संपर्क 07782673711, 9907127097, 9285005609। बिग ब्रेकिंग फॉर पेरेंट्स। CBSE के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट हाइब्रिड लर्निंग डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम एंड स्किल अप इनिशिएटिव के तहत दुर्ग जिले के एकमात्र स्कूल हिंदू आईटी स्कूल को CBSE ने जिम्मेदारी दी है। शुरुआत में 8-12 के स्टूडेंट्स को इस योजना में शामिल किया जाएगा। इसके तहत देश की नामी कंपनियां माइक्रोसॉफ्ट, यूनिसेफ, यूनेस्को स्टूडेंट्स को वर्चुअल मोड में गाइड करेंगी। स्टूडेंट्स को प्राइवेट, गवर्नमेंट व अन्य रोजगार के बारे में जानकारी दी जाएगी। हाय स्नेहा, क्या बात है, आजकल नजर ही नहीं आती। क्या बताऊँ, मेरा तो पूरा समय बच्चे के पीछे ही निकल जाता है, पर तू बड़ी रिलैक्स दिखती रहती है, बात क्या है? वो तो रहूंगी ही ना, मैंने एक स्मार्ट डिसीजन जो ले लिया है, अपने बच्चे को हिंदू आईटी स्कूल के टी बोर्डिंग में एडमिशन दिलाकर। ऐसा क्या है वहाँ जो तू इतनी रिलैक्स रहती है? अरे मेरा बेटा मॉर्निंग 7 to 5 तो वही बिजी रहता है, सबसे अच्छी बात वहाँ का एजुकेशन और रिजल्ट दोनों ही शानदार है। हाइजीनिक ब्रेकफास्ट, लंच, ये सब डाइटिशियन की देखरेख में करता है। तुझे पता है वो बच्चों का ध्यान बिल्कुल स्मार्ट पेरेंटिंग की तरह ही रखती है। और तो और शाम को ऑफिस से आने के बाद भी कोई टेंशन नहीं, शाम को नाश्ता वहीं से करके आता है। दूसरी बात, वहाँ खेलकूद, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के क्लासेस एंड अदर एक्टिविटीज का भी बहुत इम्पोर्टेंस है, जिससे बच्चे फिजिकली और मेंटली बिल्कुल फिट रहते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बच्चों के अच्छे रिजल्ट्स के लिए कैंपस में ही ट्यूशन क्लासेस अरेंज की गई हैं, इसलिए तो मैं बिल्कुल रिलैक्स रहती हूँ। मींस होम अवे फ्रॉम होम? हाँ, इसलिए तो मैं भी तुझे कहती हूँ, बी स्मार्ट एंड टेक द राइट डिसीजन फॉर योर किड। आखिर ये इंडू आईटी स्कूल है कहाँ? इंडू आईटी स्कूल, कुरुद रोड, कोका भिलाई, फोन 9303561235। पूरे भारत में कहीं भी कभी भी सबसे कम किराए पर बुक करें वन वे टैक्सी rahultravels.com पर। Looking for a reliable online shopping site? Welcome to walkhart.com. We offer the best quality products at the lowest price with easy and fast delivery options. Search, discover and choose from a wide selection of lifestyle essentials such as home decoration, garden decoration, hotel decoration, fountains, donation boxes, school products, kids corner, sports, tent decoration, wide range of cricket bowling machines and many more. We combine innovation and tradition to give you the best in the market. Interior designers make contact to be our privileged customer on 74005 74005. जो रोजगार दिलाए, कंप्यूटर हार्डवेयर, मोबाइल सर्विसिंग कोर्स, इलेक्ट्रिकल कोर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग कोर्स, छात्रावास की सुविधा, इंदू टेक्निकल इंस्टीट्यूट, टी मार्केट पावर हाउस, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9827194279, 7415674157। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच। वेलकम अगेन आफ्टर द ब्रेक, लेट्स गेट बैक टू द न्यूज। A meeting of the Mayor's Council was held at Municipal Corporation Bhilai on Monday, in which MIC members and councillors of the wards, including the Mayor, were present in the meeting. The Mayor's Council was held in the auditorium of Municipal Corporation Bhilai. The burning problem of drinking water were discussed in the meeting and an action plan was chalked out for its quick solution.
At the same time, the MIC members involved in the meeting insisted on laying new pipelines by replacing the old depleted pipelines. During this period, a roadmap was also made for the better development of the city. आज की महापौर परिषद में महापौर परिषद के जितने भी हमारे सभी सदस्य उपस्थित थे, सबकी उपस्थिति में शहर के विकास को लेकर, शहर की तरक्की को लेकर बहुत सारे विषयों पर चर्चा हुई, जिसमें मुख्य रूप से पिछले जो कार्यकाल में जो पानी की टंकियां बनी थी, पाइपलाइन बिछी थी, उसके बावजूद भी कुछ क्षेत्र थे, सुपेला का, रामनगर का क्षेत्र था, कैंप का एरिया था, जो अभी भी कुछ प्रभावित था पानी को लेकर, जहां पे पाइपलाइन से पानी हम लोगों को देने में दिक्कत हो रही थी। आज हम लोगों ने एक प्रस्ताव पारित किया है लगभग 9.5 करोड़ रुपये का, जिसके माध्यम से हम वो नई 4 टंकियाँ वहाँ पर बनाएंगे और जो पानी पहुंचाने के लिए जो पाइपलाइन का विस्तारीकरण है वो भी उसके अंतर्गत होगा। एक बड़ी समस्या का आज हम लोगों ने स्वीकृति देके निदान करने की दिशा में एक पहल की है। आने वाले समय में उस क्षेत्र के लोगों को पानी की समस्या से निजात मिलेगी। हम ये सुनिश्चित कर पाएंगे कि हम सब घर तक के 100% पानी पहुँचा। फॉर्मर असेंबली स्पीकर टारगेटेड द स्टेट गवर्नमेंट, सेड भूपेश सरकार इज गिविंग ऑनलाइन बैटिंग ट्रेनिंग इन द नेम ऑफ द स्किल डेवलपमेंट। सीनियर बीजेपी लीडर एंड फॉर्मर असेंबली स्पीकर प्रेम प्रकाश पांडे, वाइल रिमाइंडिंग द प्रीवियस बीजेपी गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट्स 15 ईयर ऑफ गुड गवर्नेंस, स्ट्रॉन्गली टारगेटेड द भूपेश गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट। ही डिस्क्राइब्ड द भूपेश गवर्नमेंट एज द बिगेस्ट करप्ट गवर्नमेंट ऑफ स्मॉल पॉपुलेशन। He said that online betting business is flourishing rapidly in the state. The state government is giving online betting training to the youth in the name of skill development. In a warning tone, he said that Congress government of the state is running a series of corruption. The truth of the government corruption has not yet been fully revealed. When the BJP government comes to Chhattisgarh and hangs the corrupt people upside down, then the full figure of corruption and the truth will come to the fore. He gave details of the program of Seva, Good Governance, Poor Welfare carried out during the 9 years of the central government led by Prime Minister Narendra Modi. BJP leader Pandey was speaking during the press conference organized at the Durg district BJP office. He said that the upcoming assembly elections are not normal elections. This is an election that lays the foundation stone for the bright future of Chhattisgarh. Chinese citizens spy in the US by posing as tourists, reports claims. More than 100 cases were reported and the FBI defense military is on high alert. A report in the American newspaper Wall Street Journal has claimed that in recent years, Chinese citizens have spied in America by posing as tourists. More than 100 such cases have come to light. And now, along with the FBI, the Defense Department is also in alert mode. This information has been given in this report. Quoting senior officials of the United States, a few months ago, America had shot down a Chinese spy balloon. Then China asked for its debris back and call it a weather information satellite. The officers became suspicious when the FBI investigated some cases. The biggest question that came up, why was Chinese people went to those areas where there was no tourist spots? Apart from this, those areas were targeted where there was no major civilian airport. After this, it became clear that these people could not be tourists and their motive was something else. According to the report, Chinese citizens collect intelligence information in America and later send it to China. When the American Home Ministry was asked about this, they refused to say anything. Chinese President Xi Jinping will not attend the G20 summit to be held in India. In his place, Prime Minister Li Qiang is coming. US President Joe Biden has expressed disappointment on this. The summit will be held in New Delhi from 9 to 10 September, according to the report of American news website The Hill. Biden said, "I am very disappointed to know this, although I will meet him." Biden did not say when and where he would meet Jinping. China is turning down the offer of meeting when the White House press secretary was questioned about this meeting between Xi Jinping and Joe Biden. He said President Biden had given information about this at Camp David. They went to improve relations by talking forward talks with China. The two presidents last met at the G20 summit held in Indonesia last year. Since then, tension between the two countries regarding spy balloon and Taiwan have increased further. America had alleged that China was rejecting its proposal for talks. An air hostess from Chhattisgarh, Raipur was murdered in Mumbai on Sunday.
In the evening, the police found the dead body of the girl from her flat. It was being told that girl has been murdered by slitting her throat. The reason for the murder is not clear. The police have arrested a sweeper in the case. According to the information, Rupal Ogre was resident of Rajendra Nagar area of Raipur. She was staying with her elder sister and a friend at NG Complex, Andheri, Mumbai from last some time. During the incident, both the girl's sister and her friend had gone to their hometown. The committee started the discussion regarding one country, one election. The central government said there is no intention to conduct the Lok Sabha elections before or after the time. The government has no intentions of holding back the Lok Sabha elections in the country before or after. Union Minister of Information and Broadcasting Anurag Thakur said, this is an interview late on Sunday night. Thakur said, the government has no intention of holding the general elections ahead of time or later. He said Prime Minister Narendra Modi want to serve the country and the people till the last day of his tenure. BJP has been in support of an election for a long time. This will save time and money. It can be used for the development of the country, especially for the poor. In fact, after the convening of a special session of parliament and the formation of a high level committee on one nation, one election, there has been speculation that the Lok Sabha election may be held ahead of time. On the other hand, the Ramnath Kovind Committee on One Nation, One Election has started work on it the very next day of the notification being issued. And that's all for today. Keep watching Indian News. Thank you and have a great day. इस बुलेटिन के प्रायोजक थे wahcard.com. सजाए हर जगह हमारे साथ. इंडो टेक्निकल इंस्टीट्यूट रोजगारन्मुख व्यावसायिक प्रशिक्षण.